हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एनालिटिकल वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अल्काइल अमीन की, जिसमें हम लोगों ने ऊपरी स्तरों से तकरीबन यहां पर ये देखिए 4700 के आसपास से इसमें लगातार हम लोग सेलिंग देख रहे हैं और ये अभी 4100 के आसपास जाकर के क्लोजिंग दिया है। बहुत सारे निवेशक ऊपरी स्तरों में यहां पर फंस चुके हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अब अल्काइल अमीन के शेयर में क्या करना चाहिए। एक तरफ तो अल्काइल अमीन का शेयर करेक्शन मोड में है, वहीं दूसरी तरफ बालाजी अमीन के शेयर लगातार हायर हाई बना करके चल रहे हैं। तो क्या जो करेक्शन अल्काइल अमीन में चल रही है वो हम लोग ओवर होता हुआ देखेंगे? क्या इन स्तर से अल्काइल अमीन ऊपर जाएगा या फिर इन स्तरों से नीचे चला जाएगा? तो इसको दोस्तों हम लोग इस वीडियो के जरिए समझने की कोशिश करेंगे, एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम लोग डेली चार्ट को देखें, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, ये स्टॉक लगभग देखिए इस स्तर पर ये इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था और लगभग इन्हीं स्तरों के आसपास जा करके ये बेस बनाता हुआ देखने को मिल रहा है और ऊपरी स्तरों में इसने 4755 के स्तर को छुआ था यहाँ पर। तो अब इन दो जो लाइन है इसके बीच में जो चैनल बन रहा है उसी के बीच में ये ट्रेड करना शुरू हुआ है। और दोस्तों इसमें गिरावट क्यों हुई थी, तो गिरावट दोस्तों इसने जब क्वार्टर वन के नतीजे हम लोगों के सामने लेकर के आई थी कंपनी, उसके बाद इसके नतीजे एज पर मार्केट एक्सपेक्टेशंस नहीं देखने को मिले थे और जिसके चलते इसमें हम लोग तेज गिरावट देखे हैं। वहीं पर बालाजी अमीन के जो रिजल्ट आए थे दोस्तों क्वार्टर वन के, वो काफी अच्छे देखने को मिले थे और जिसके वजह से बालाजी अमीन में क्वार्टर वन के रिजल्ट आने के बाद से लगातार तेजी बन रही है। तो क्या दोस्तों हम लोग ये माने कि आने वाले दिनों में अल्काइल अमीन के शेयर में भी उछाल देखने को मिल सकता है? तो इसके लिए दोस्तों हम लोगों को इसके फंडामेंटल्स को एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा कि फंडामेंटल्स में कितने बदलाव हुए हैं। अगर हम लोग अल्काइल अमीन के रेवेन्यू ट्रेंड को समझने की कोशिश करें एनुअल बेसिस पर, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसके जो रेवेन्यू है दोस्तों वो लगातार हायर हाई बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, लगातार ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से बढ़ते हुए हम लोग देख पा रहे हैं। वहीं अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं इसमें काफी तगड़ा ग्रोथ दिखाया ईयर ऑन ईयर, ये लगातार एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से हम लोग बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि एनुअल बेसिस पर अल्काइल अमीन ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और काफी अच्छा इन्होंने रिजल्ट लेकर के हम निवेशकों के सामने आती रही है। तो अब क्वार्टरली बेसिस पर क्या हुआ है जिसके चलते इसके शेयर में गिरावट देखने को मिली है, तो उसको एक बार चेक कर लेते हैं। क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम लोग रेवेन्यू ट्रेंड को समझने की कोशिश करें तो ये देखिए जून क्वार्टर में इसने 391 करोड़ का सेल्स रिपोर्ट किया था, जो कि मार्च क्वार्टर में ये 382 करोड़ का सेल्स रिपोर्ट की थी। तो इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में नॉमिनल इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, या बोलिए दोस्तों ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम लोग बात करें ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू की, तो जून 2020 में ये 245 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट की थी, जो कि जून 2021 में ये बढ़कर के 391 करोड़ होता हुआ देखने को मिला है। तो हम लोग ईयर ऑन ईयर इनके क्वार्टरली रिजल्ट में ग्रोथ देख रहे हैं, रेवेन्यू में काफी तगड़ा ग्रोथ देख रहे हैं। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू में भी हम लोगों को नॉमिनल ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि इसके बिजनेस नहीं बढ़े हैं। तो अब आते हैं दोस्तों कि खराब क्या हुआ है, तो इसके नेट प्रॉफिट को देख लेते हैं क्वार्टरली बेसिस पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वार्टरली बेसिस पर इसने जून क्वार्टर में 78 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, उसके पहले मार्च क्वार्टर में ये 92 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट की थी। तो हम लोगों ने देखा कि इनके जो रेवेन्यू है उसमें नॉमिनल ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन उसके बावजूद इनके जो नेट प्रॉफिट है उसमें हम लोगों को डिग्रोथ देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर इनके नेट प्रॉफिट को कंपेयर करें तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट ईयर जून क्वार्टर में ये 52 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट की थी, जो कि इस बार ये बढ़कर के 78 करोड़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ईयर ऑन ईयर तो इनके
जो नेट प्रॉफिट है दोस्तों उसमें काफी तगड़ा जंप देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनके जो रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं उसमें काफी तगड़ा डिग्रोथ देखने को मिल रहा है, ये निगेटिव है। और इसी बात को लेकर के मार्केट ने काफी तगड़ी प्रतिक्रिया दी और इस स्टॉक की ऊपरी स्तरों से ढुलाई देखने को मिली। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि क्या एक क्वार्टर के रिजल्ट खराब हो जाने से हम लोगों को अल्काइल अमीन के शेयर से निकल जाना चाहिए। तो नहीं दोस्तों, एक क्वार्टर के रिजल्ट खराब होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है कि क्वार्टर टू के जो रिजल्ट लेकर के आएगी कंपनी वो क्वार्टर वन के रिजल्ट से काफी बेहतरीन भी देखने को मिल सकते हैं। तो हम लोगों को इनके एक दो क्वार्टर और हम लोगों को रिजल्ट देखना पड़ेगा कि इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट क्वार्टर वन के जो नंबर आए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जो खराब देखने को मिले हैं, अगर उसमें काफी इंप्रूवमेंट फिर देखने को मिलती है तो ये शेयर इन स्तरों से फिर ऊपर जाएगा। और अगर मेरा व्यू माने दोस्तों तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके क्वार्टर टू के जो नतीजे आएंगे वो काफी इंप्रूव होते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी अमीन के जो सेक्टर है दोस्तों वो काफी डिमांड में है और जैसा कि आप बालाजी अमीन में भी देख रहे हैं अभी इसके रेवेन्यू तो बढ़े लेकिन नेट प्रॉफिट में दबाव देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं इनके जो मार्जिन है वहां पर दबाव देखने को मिला होगा, तो उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए जून क्वार्टर में इनके जो मार्जिन है वो मात्र 28% देखने को मिल रहे हैं, जबकि मार्च क्वार्टर में ये 35% देखने को मिला था। तो इनके मार्जिन में दोस्तों हम लोगों को दबाव देखने को मिला और इसी की वजह से इनके रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद नेट प्रॉफिट हम लोगों को डिग्रोथ में जाते हुए देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो सबसे रिमार्केबल बात है कि रेवेन्यू में कहीं पर भी डिग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन मार्जिन घटने की वजह से इनके नेट प्रॉफिट में दबाव देखने को मिला है। तो हम लोगों को अभी घबराना नहीं चाहिए और हम लोगों को वॉच रखना चाहिए कि इसके जो क्वार्टर टू के जो नतीजे आएंगे उसमें रेवेन्यू घटे या बढ़े उस पर मेनली हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मार्जिन अगर आज घटे हैं तो कल बढ़ भी सकते हैं, या अगर रेवेन्यू में काफी ग्रोथ देखने को मिलेगा तो हम लोगों को नेट प्रॉफिट में भी काफी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो हम लोगों को इसके क्वार्टर टू के रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसके रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं तो ये कहां तक जा सकता है। तो दोस्तों अब हम लोग टारगेट लगाने की कोशिश करें तो ये स्टॉक कहां तक जा सकता है, तो हम लोग यहां पर पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं कि ये तकरीबन 4000 के लेवल पर ये बेस बना चुका है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लेवल से इस स्टॉक को फर्दर नीचे नहीं जाना चाहिए। जब तक कि इसके क्वार्टर टू के रिजल्ट खराब नहीं होते हैं तब तक ये इस लेवल को नहीं तोड़ेगा आने वाले दिनों में। तो दोस्तों अब ये कहां जा सकता है, तो अगर हम लोग इसके वीकली चार्ट को भी देखें तो वीकली चार्ट पर क्या स्थिति बन रही, तो यहां पर भी ये लगभग उन्हीं स्तरों पर 4000 के स्तर पर ये बेस बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। मंथली चार्ट के आधार पर दोस्तों हम लोग ये देख रहे हैं कि ये 2 महीने से करेक्शन के मोड में चल रहा है, लेकिन यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल अभी नहीं हुआ है, यानी कि बुलिश फेज से ये बियरिश फेज में ये स्टॉक अभी तक इंटर नहीं किया है। ये तब इंटर करेगा दोस्तों जब ये जो लेवल है ये तकरीबन 3580 का, इसको तोड़ करके अगर ये नीचे जाता है मंथली बेसिस पर तब ये हम लोग मानेंगे कि ये बियर फेज में चला गया, लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से इस स्टॉक में घबराने की ऐसी कोई बात देखने को नहीं मिल रही है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों टारगेट की कि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक कहां तक जा करके ट्रेड कर सकता है, किन ऊंचाइयों पर जा करके ट्रेड कर सकता है। जो भाई बंधु ऊपरी स्तरों में 4755 के स्तर पर फंसे हुए हैं क्या उन्हें कमाने का मौका मिलेगा या निकलने का मौका मिलेगा, तो अवश्य मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि इस कंपनी ने काफी स्प्लेंडिड परफॉर्मेंस दिखाया है लास्ट 5 ईयर से, काफी अच्छा रिटर्न दिया इसने अपने निवेशकों को और इस पर हम लोगों ने ढेर सारे वीडियो बनाए हैं जो कि मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप उन्हें जा करके देखोगे तो सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों अब हम लोग इसके जो टारगेट लगाने की बात करते हैं तो उसके लिए हम लोगों को सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ करने होंगे, उसके बाद फिर हम लोग टारगेट पर बात करेंगे। तो हम लोगों ने डेली बेसिस पर
इनके सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम लोग इसके टारगेट पर बात करेंगे, लेकिन इस पर बात करने से पहले दोस्तों मैं चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव और एनालिटिकल वीडियो लगातार लेकर के आता रहता हूं और अपनी जानकारी आप व्यूअर्स के साथ शेयर करता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, आपने सब्सक्राइब कर ही लिया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके टारगेट पर बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग जो देख रहे हैं कि इस स्टॉक का जो बेस बन रहा है वो तकरीबन 4000 के आसपास बन रहा है, तो आप इसे नोट डाउन कर लो। और अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि इसमें तेजी कब आएगी, तो इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे तो इसमें तेजी देखने को मिलेगी। और जब भी ये स्टॉक, ये जो स्तर है दोस्तों, इसका प्रीवियस लाइफ हाई 4765, इस पर भी हम लोग एक प्राइस टैग लगा लेते हैं। चलिए, ये हम लोगों ने एक प्राइस टैग लगा लिया। तो यहाँ पर जो सपोर्ट बन रहा है दोस्तों 4000 का, और ऊपर जो रेसिस्टेंस बन रहा है वो 4758 का देखने को मिल रहा है। और जब भी ये शेयर इन स्तरों से बाउंस बैक देगा और जो प्रीवियस लाइफ हाई है उसको ये तोड़ेगा, तो जो इमीडिएट टारगेट निकल करके आ रहा है दोस्तों, वो देखिए कौन सा लेवल है, ये लेवल है 5305। तो यहाँ पर भी हम लोग एक प्राइस टैग लगा लेते हैं। चलिए, यहाँ पर हम लोगों ने एक प्राइस टैग लगा लिया। तो यहाँ पर तीन लेवल दोस्तों हम लोगों के सामने निकल करके आए हैं, तो इन तीनों ही लेवल को आप आने वाले दिनों में वॉच करोगे। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपके भी पोर्टफोलियो में अल्काइल अमीन्स के शेयर होंगे, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करोगे कि आपने किस प्राइस पर अल्काइल अमीन के शेयर को परचेज किया है। ऐसे तो मैं एज ए डिस्क्लोजर बता दूं कि मेरे पोर्टफोलियो में भी अल्काइल अमीन के शेयर हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना ना भूलना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो बनता है। और दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।